गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन चंद्रकांता घर में टीवी देख रही थी। उसमें दो बिजनेस टाइकून कैसे पैसे कमाए जाएं ये बता रहे थे, जो सुनकर चंद्रकांता खुद में खुद सोचती है, छह बिना दिमाग वाले लोग अच्छे से ही कमा रहे हैं, और बहुत दिमाग होने पर भी मैं बिना कुछ के घर में बैठी हूँ। भगवान, प्लीज भगवान, कुछ न कुछ करके मुझे पैसे दे दो। इस तरह बिना टैलेंट वाले को इतना सब कुछ दे रहे हो, ऐसे टैलेंटेड मुझे देने के लिए किस लिए सोच रहे हो? कहते हुए खुद में सोच रही थी, तभी फोन में एक मैसेज आता है। तब चंद्रकांता उस मैसेज में ना जाने क्या आया होगा सोचकर ओपन करके पढ़ती है। हाय जी, कंग्रेचुलेशंस, आपको कोका कोला कंपनी से 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। मैसेज आता है जो पढ़कर चंद्रकांता शॉक्ड हो जाती है और ऐसा सोचती है, ये कोई सपना है या सच है? मुझे 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। सोचकर उस मैसेज को फिर से पढ़ती है। ये सपना है सोचकर खुद को चिमटी काट कर देखती है। तब ऐसा सोचती है, ये सच है? हाँ, इतने दिनों बाद मेरी किस्मत खुल गई, मेरे खेतों में पौधे निकल आए हैं। जय साई राम, कितना आनंद हो रहा है। सोचते हुए कूद रही थी, इतने में वहाँ सूर्यकांतम पहुँच जाती है और कूदते हुए चंद्रकांता को देखकर ऐसा कहती है, क्यों रे, पागल हो गई हो क्या, ऐसे कूद रही हो? तब चंद्रकांता अपने मन में ऐसा सोचती है, अरे बाप रे, मेरी सासु माँ को इसके बारे में नहीं बताऊंगी, बताया तो फिर से मेहनत किए बिना आई वस्तुएं अच्छी नहीं होती कहकर फिर से क्लास लेगी, लॉटरी कैंसिल भी कर सकती है। उन पैसों के आने तक बिना बताए रहना अच्छा होगा, सोचती है जो देखकर। पूछ रही हूँ ना, जवाब दिए बिना क्या सोच रही हो, क्या बात है? क्या सासू माँ, मैं घर में थोड़ी देर खुशी से डांस नहीं कर सकती क्या? बोलो, जब देखो मुझे कुछ न कुछ कहती हो। वही तो, तुम्हारी खुशी का कारण क्या है पूछ रही हूँ। अब बस करो सासू माँ, बस, सिर्फ 1 महीने में मैं क्या हूँ आपको दिखाऊंगी। चंद्रकांता का टाइम आ गया सासू माँ, टाइम आ गया। कहते हुए वहाँ से चली जाती है, जिस पर सूर्यकांतम खुद से कहती है, क्या हुआ इस लड़की को, आज ऐसे बात कर रही है? कोई ज्योतिष आकर महीने में अमीर बन जाओगी कहा क्या, इसीलिए इतनी खुश है? इस बुद्धू को अभी नहीं पता चलेगा, कोई भी कुछ भी फ्री में नहीं देता। सोचती हुई कोई चारा ना होने पर अपना काम कर रही थी। लॉटरी आने की खुशी में चंद्रकांता चीनी वाली सुजाता को लॉटरी के बारे में बताती है, जो सुनकर सुजाता, क्या 5 करोड़, कहते हुए चक्कर खाकर गिर जाती है। चंद्रकांता सुजाता को थोड़ा पानी मारकर उठाती है। उठकर सुजाता चंद्रकांता से ऐसा कहती है, अरे चंदू, तुम्हारी किस्मत खुल गई है 5 करोड़। अरे तुम बहुत लकी हो चंदू, तुम्हें पैसे मिलने पर मुझे भूल तो नहीं जाओगी? अरे तुम्हें क्यों भूलूंगी, पैसे आने पर हम दोनों मिलकर अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें तुम मेरी पार्टनर होगी, कहती है, जिस पर सुजाता बहुत खुश होती है। तो फिर देरी किस बात की, चलो जाकर पैसे ले आते हैं। जाकर ला सकते हैं, पर उससे पहले हमें जाकर अकाउंट में 10 लाख रुपए डिपॉजिट करने होंगे। वो किस लिए? वो टैक्स है, वो भरने पर ही हमें 5 करोड़ रुपए देंगे। जब 5 करोड़ आ रहे हैं तो 10 लाख नहीं दे सकते क्या? चलो जाकर उस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट करने के लिए 10 लाख चाहिए, कहाँ है अपने पास? जिस पर सुजाता को एक आइडिया आता है। तुरंत दोनों अपने गहने सेठ के पास गिरवी रखकर उन पैसों को अकाउंट में डाल देते हैं। थोड़े दिन गुजर जाते हैं, सुजाता चंद्रकांता के पास आती है, आकर कहती है, इतने दिन हो गए वो पैसे भी नहीं आए। परसों मैसेज आया था, पैसे शिप में आ रहे हैं और 2 दिन में आ जाएंगे, कहती है, जो सुनकर सुजाता बहुत खुश होती है। कितनी अच्छी
अच्छी खबर बताई तुमने, तुम्हारे घर में चीनी है क्या? तुम्हारा मुंह मीठा करती हूँ। अरे हमेशा चीप चीनी से मीठा करोगी, बाहर जाकर अच्छी सी मिठाई खाते हैं। सोचकर दोनों बाहर जाते हैं। बाहर जाते समय एक कार शोरूम देखते हैं। देखकर पैसे आने वाले है ना, अभी जाकर कार बुक कर लेते हैं, चलो। बोलकर सुजाता को कार शोरूम में लेकर जाती है। उधर चंद्रकांता सेल्समैन को हाई रेंज मॉडल कार दिखाने को कहती है, जिस पर सेल्समैन तुम खरीदने वाले चेहरे हो क्या कहकर देखता है, जो देखकर चंद्रकांता को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत फोन निकालकर आई हुई लॉटरी टिकट के मैसेज दिखाती है, जो देखकर सेल्समैन हंसते हुए उसको अपने मोबाइल पर आए 50 करोड़ लॉटरी टिकट का मैसेज दिखाता है, जो देखकर चंद्रकांता और सुजाता दोनों शॉक्ड हो जाती हैं। अम्मा ये फेक मैसेजेस हैं, वैसे मैसेजेस भेजकर सभी को धोखा देते रहते हैं। आप लोगों को थोड़े पैसे भी डिपॉजिट करने के लिए कहा होगा, है ना? कहता है, जिस पर वो दोनों सच में कहकर सिर हिलाते हैं। तुम्हें देखकर बहुत दया आ रही है अम्मा, फिर भी सोचो जरा, कोई अपने स्वार्थ के बिना किसी को पैसे क्यों भेजेगा, कहता है, जो सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाती हैं और कोई दूसरा चारा ना होने पर रोते हुए सूर्यकांतम के पास जाकर सब बताते हैं। इसकी बातों को सुनकर मेरे पास जो भी गहने थे गिरवी रखकर पैसे भरे, अब मेरी परिस्थिति क्या होगी, रोते हुए बताती है, जो सुनकर अरे बाबा पहले तुम रोना बंद करो, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मेहनत किए बिना आए हुए पैसे अच्छे नहीं होते, ठीक है अब तो समझ आया, कहते हुए अपने मैजिक से उस धोखेबाज को पकड़ लेती है और अपने अपने पैसे उन्हें दिलवा देती है। उस धोखेबाज को सबक सिखाकर उसे जेल भेज देती है। सुजाता चंद्रकांता दोनों वापस आए पैसे को सेठ को वापस करके अपने गहने वापस ले लेती है। इतना बड़ा धैर्य का काम करने पर सभी लोग सूर्यकांता को थैंक्स कहते हैं। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।